the most important thing is the story is very emotional. तो the main challenge था कि मतलब वो emotional content को music में translate करना. तो me with the director शिलादित्तो दा, तो हम लोग regular jam करते थे, regular brainstorm करते थे कैसे कैसे क्या करें, music कैसा, कौन सा zone में जाए music को लेके. तो उस हिसाब से म्यूज़िक हम लोगों ने किया, स्टेप बाय स्टेप एड ऑन करते गया कि दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक. वी केप्ट ऑन रिजेक्टिंग सॉन्ग्स के नहीं ये नहीं चल रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. तो ऐसे करके करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐड करके गया. फिर उसके बाद मतलब अल्टीमेटली जो हुआ, द फर्स्ट सॉन्ग वॉज प्रेमे पड़ा वारुण, इट गॉट वायरल. तो बहुत वायरल हो गया एंड द फुल एल्बम हैज़ बिकम वायरल, ट्रेंड कर रहा है सब जगह पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, तो वही मतलब इसीलिए हम लोग इसमें चाह के लिरिक्स वाइज भी इस गाने में लिरिक्स इतना स्ट्रांग हो ताकि पीपल कैन रिलेट. तो वही हुआ है, सब सॉन्ग का लिरिक्स इतना अच्छा हुआ है कि लास्ट डेढ़ महीने से सब लोगों का फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस वॉज माई सॉन्ग. तो दैट वॉज द सक्सेस ऑफ द सॉन्ग. नो, आई स्टे एट बॉम्बे. तो मैंने अनुराग बसु के साथ भी काम किया, प्रीतम दा के साथ भी काम किया, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ भी काम किया. पैरेलली आई एम वर्किंग इन बंगाली इंडस्ट्री ऑल्सो. जी, फिल्म का नाम है स्वेटर. आई थिंक नाम ही काफ़ी है फिल्म करने के लिए. ऐसे यूनिक नाम के फिल्म बहुत कम ही बने हैं हमारे इंडिया में. ऊपर से अगर वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, क्योंकि हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी लड़कियों को लेकर फिल्म्स बहुत कम बनते हैं. और स्वेटर ऐसी मूवी है जहाँ पर चार लड़कियाँ हैं और चार लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो सोशली एक मैसेज कैरी करते हैं. तो ऑब्वियसली कोई भी एक्टर ये फिल्म करना चाहिए. डायरेक्टर शिलादित्य मौलिक, होप यू ऑल नो, जिन्होंने मिसेस स्कूटर डायरेक्ट किया है अंजलि पाटिल के साथ, जो अभय देओल ने प्रेजेंट किया था. तो उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था, शॉर्ट फिल्म, उसका नाम है लूडो, जो 14-15 मिलियन व्यूज़ पा चुका है अभी तक एंड इंटरनेशनली फेस्टिवल में वो एक्लेम्ड हो चुकी है. तो उनके साथ तो एक्सपीरियंस हालांकि बहुत अच्छा है. और पूरा शूट कैलकाटा में हुआ है कुछ, और दार्जिलिंग में हुआ है कुछ. तो दार्जिलिंग जो है बंगाली के लिए एक हॉलीडे होम है. तो 17 दिन हम लोगों ने शूट किया है वहाँ पर, और पूरा यूनिट हालाँकि यंग बेस्ट था, और डायरेक्टर और सारा यूनिट कास्ट सब यंग थे. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. दिस इज़ माई फर्स्ट बंगाली मूवी, और मैंने आई थिंक 2015 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया है. और मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो थी वो महेश मांजरेकर के बेटे के साथ थी, सत्या मांजरेकर, एक मराठी मूवी थी, उसका नाम है जानीवा, जो क्रिटिकली अक्लेम थी. उसके बाद मैंने पंचलेट किया है, जो ईफी गोवा लास्ट ईयर में थी, आमितोष नागपाल के साथ. ये मेरी पहली बंगाली मूवी है और आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. देखते हैं, आप भी देखिए कैसा लगता है. जी, मैंने अभी एक इरोस नाव के लिए प्रोजेक्ट किया है जिसका नाम है हलाहल, जो रणदीप झा ने डायरेक्ट किया है और रिटन बाय जिशान कादरी, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर को राइटर है. जो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और टॉकिंग अबाउट स्वेटर, माय कैरेक्टर दिस इज़ श्री, हम लोग इस जनरेशन की लड़कियों के बारे में बात करते हैं जो कॉन्फिडेंट भी है और बहुत सारा शेड भी है, मतलब इमोशनल भी है, लेकिन जो नॉर्मली सोशली प्रेजेंट करते हैं हमारे इस जनरेशन की लड़कियों को, दैट इज़ माई कैरेक्टर. जो दीदी है उसके टू को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ईशा शाह, जो वो बोल नहीं पाती, उसका वॉइस है श्री. तो ऑब्वियसली आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. देखते हैं आप लोग क्या लगता है. इट्स लाइक बिग स्टार्स अभी तो अगर आप देखोगे कि अंधाधुन देख लो, बधाई हो देख लो, सो अभी वो सो कॉल्ड कोई फैंटेसी नहीं है कि मैं इसके साथ काम करूँगी. कॉन्टेंट इज़ द किंग, जो अभी हैशटैग है. तो मैं अच्छे स्टोरी पे काम करना चाहूँगी, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहूँगी. आई रियली लव द कॉन्सेप्ट, आई रियली लव द रिस्पॉन्स, लाइक वॉट वी आर गेटिंग एज अ बॉन्ग. आई एम ऑल्सो बॉन्ग. आई रियली लाइक, यू नो, आई गॉट टच्ड विद द प्रोजेक्ट, सो आई रियली लव दिस. And I'm requesting to all of you, like, please come and watch this movie. It's what really about, nice movie. What about you professionally? You are, yeah, I'm into acting. Yeah, I'm from Calcutta. I did Bengali movies over there. It's been 5 months I have shifted over here in Bombay. I'm working. I did one Hindi movie directed by Ajit Devle as a lead. It's gonna release soon. One more short film I did for Cannes Film Festival. It's already got selected in Pune Film Festival and did digital arts. नहीं, ये 29 मार्च को रिलीज़ हुई है कलकत्ता में, और अभी छठा वीक चल रहा है और हाउसफुल जा रहा है. तो हम लोग अभी बॉम्बे में और बाकी दिल्ली, नोएडा वगैरह, बेंगलोर, हैदराबाद में अभी रिलीज़ किया है 3 मई को, और बहुत अच्छा रिस्पांस है. बंगाली फिल्म है, रीजनल फिल्म है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सल है. वो एक कमिंग ऑफ एज लड़की, अंडर कॉन्फिडेंट लड़की की स्टोरी है, जो बाद में अपनी कॉन्फिडेंस वापस उसको मिलता है थ्रू नीटिंग अ स्वेटर.
so the story is quite unique. The songs are very popular already. तो गाने सारे हिट हो गए और पॉपुलर सब गाना और सावन ऐसे जो भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं वहाँ पे टॉप 10 में सारे गाने हैं, जो कि बहुत दिन बाद ऐसे कोई भी फिल्म हिंदी इंग्लिश बंगाली में पहली बार ऐसा हुआ है, गाना इतना पॉपुलर हो गया है. और दिस फिल्म हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर फिल्म एंड बाई क्रिटिक एंड ऑडियंस इन द दिस ईयर्स टॉप 10 बंगाली फिल्म में से एक ये है. तो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिंदी ऑडियंस, क्योंकि लैंग्वेज बहुत न्यूट्रल है और यू नो द स्टोरी इज़ वेरी यूनिवर्सल. अभी एक्चुअली इंडियन सिनेमा इस दौर से जा रही है जहाँ पे कमर्शियल और इंडिपेंडेंट सिनेमा का गैप बहुत नैरो हो चुका है. ऐसा नहीं होता कि डांसिंग अराउंड द ट्रीज टाइप ऑफ फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर, लेकिन इस फिल्म में एक लड़की की शादी नहीं होती है और उसके पास एक चैलेंज आता है कि वो एक महीने में अगर एक स्वेटर बुन के दिखाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी. उसके थ्रू, स्वेटर बुनने के थ्रू उसकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आता है, उसके कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आता है, उसको लेके फिल्म बनाई है. और ये घर घर की कहानी है, क्योंकि सबके घर में ऐसा होता होगा कि एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है या लड़का है जिसको अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत काम नहीं कर पाते, कोई क्रिकेट नहीं खेल पाता, कोई किसी की शादी नहीं हो रही होती. तो ये कहानी सबको इस तरह से रिलेटेबल लग रही है. वो सपोर्ट करने का सबसे बड़ा जो कारण था इसका स्क्रिप्ट, क्योंकि बंगाली फिल्म्स जो अभी बन रही हैं उसमें जो कंटेम्प्रेरी, जैसे अभी हिंदी में जैसे बधाई हो है इस तरीके की जो मूवीज़ बनती है वो बंगाली में नहीं बन रही थी, और इस तरीके का स्क्रिप्ट एक नया एक्सपेरिमेंट था. तो नए एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली फंड करने के लिए थोड़ा सा साहस लगता है, बट हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये टाइम है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी इस तरीके की मूवीज़ बननी चाहिए जो यूथ को. हमारे मूवी की सबसे बड़ी खासियत है कि एक 10-12 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के लोगों तक सबको अच्छा लग रहा है. कुछ इन्वेस्टमेंट क्या है रिटर्न के लिए भी हो जाएगा, लेकिन जी बंगाली फिल्म का आपको लगता है दूसरे का रिटर्न मिल पाएगा जो एवरेज हिंदी फिल्म से मिलता है? बिल्कुल, देखिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह है वो तो ऑलरेडी वी हैव रिकवर्ड, और एज ए बंगाली सिनेमा वी आर रनिंग 6th वीक सक्सेसफुली हाउसफुल वेस्ट बंगाल में. और आप देखे होंगे मैक्सिमम बंगाली मूवीज़ रीजनल मूवीज़ सेम डेट को नेशनल रिलीज़ होता है. उसका कारण ये है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि फिल्म अच्छी चली नहीं चली, बाद में नेशनल होगा कि नहीं. हमारी मूवी 4th वीक में नेशनल रिलीज़ हुई है और PVR के थ्रू से हुई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी मतलब फिल्म का अच्छा हुआ है, यहाँ भी सक्सेसफुल चल रहा है. हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम बेसिकली कंटेंट ओरिएंटेड, जो कंटेंट रिच जो स्क्रिप्ट्स है वही हम लोग चूज़ कर रहे हैं. ऑलरेडी हमारे पास इसके अलावा 2-3 स्क्रिप्ट्स है. नेक्स्ट मूवी जो हमारी है वो हिंदी है, और अभी हम उसमें ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते, बट दैट विल बी विद अ गुड स्टार कास्ट. और उसका 97% शूटिंग जो है अफ्रीका में होगा, सो दैट विल बी अनदर अ न्यू थिंग वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस. जो लोकेशन हम लोगों ने लिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है पूरे इंडिया के लिए, वो फर्स्ट टाइम वो लोकेशन एक्सप्लोर किया जा रहा है.